हेलो दोस्तों, आज मैं चिकन बनाने वाली हूँ। चिकन मैंने धो के रख लिया है और ये मेरे सारे मसाले हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा मैं तेज पत्ता डाल दूंगी। दालचीनी है, लाल मिर्च पाउडर, ये है चिकन मसाला, ये हल्दी, जीरा और धनिया। चलिए चलते हैं, अब हम अपना चिकन बनाते हैं। पत्ता डाल देंगे, तेल गर्म है और सुगंध के लिए मैं चार दालचीनी ले लूंगी। अब तो मैंने ये पहले से ही मसाला तैयार कर लिया है, जिसमें मैंने प्याज लहसुन अदरक मिर्च ये सब पीस लिया मैंने। अभी मैं इस सबको डाल दूंगी। चिकन को मैंने तेल में फ्राई करने के लिए डाल दिया है, जिसमें मैंने हल्दी डाल दिया है और अभी उसी समय मैं एक चम्मच नमक भी डाल दूंगी। और तब तक चलाऊंगी जब तक कि इसका पानी सूख ना जाए। फ्राई हो चुका है अच्छे तरीके से, और इसे साइड कर लेंगे और दूसरे कढ़ाई पे पकाएंगे। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया है और इसे मैं तब तक चलाऊंगी जब तक ये तेल ना छोड़ ले। उसके बाद ही मैं सारे मसाले डालूंगी। इसे मैंने फ्राई करते हुए कुछ समय हो गया, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा तेल आ गया है, ये पक चुका है। अभी इसमें सूखा मसाला डाल सकते हैं। सबसे पहले हाफ चम्मच हल्दी, हाफ चम्मच धनिया, जीरा, चिकन मसाला 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, और इसे भी अच्छी तरह से पका लेंगे। मसाला पक चुका है, अभी मैं फ्राई किए हुए चिकन को डाल देती हूँ। अब इसे अच्छी तरह से चला लेंगे, मिला लेंगे। चिकन में मसाला कोटिंग हो गया अच्छी तरीके से, अब हम इसे और पकाने के लिए पानी डाल लेंगे। अब चिकन पक चुका है, अब इसमें आखिरी में गरम मसाला डाल लेंगे हम लोग, आधा चम्मच गरम मसाला। इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे, ऐसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रखेंगे। उसके बाद धनिया पत्ता डालकर गार्निश कर लेंगे।
चिकन पक चुका है, अब इसमें धनिया पत्ता डाल लेंगे।